मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल देबोत्री गांगुली. आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आई एम गुड टू. सो दिस इज लाइक द थर्ड डे आई एम हेयर इन हैदराबाद. सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट व्लॉग फ्रॉम दिस हैदराबाद ट्रिप. आई जस्ट होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग माई वीडियोज, दोज हु आर माई एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन इन द आई बटन आई विल लिंक डाउन, आई विल गिव द लिंक ऑफ द अदर वीडियोज लाइक हैदराबाद ट्रिप का. सो गो वॉच दैट आउट. एंड या ओके, सो अभी बज रहा है सुबह के 9 और यहाँ पे धूप काफी निकल चुका है. अभी फटाफट हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे एंड फिर वी विल गो आउट समवेयर. आई विल ट्राई टू व्लॉग एज मच एज आई कैन. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. एंड सो या लेट्स गो. ओके गाइज, तो अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है एंड फटाफट जाके नहा के रेडी होना है. एंड फिलहाल लिख रही थी इसका आज का. एंड अभी ब्रेकफास्ट भी आया हुआ है हम लोगों का. लेट मी शो यू गाइज. सो वी ऑर्डर्ड सैंडविच. इसे थोड़ा खोल दो ना. ब्रेकफास्ट करके फटाफट नहा के वी विल गो आउट. सो एग सैंडविच एंड यहाँ पे सॉस भी दिया हुआ है एंड वी विल ईट. उसने अभी चालू कर दिया है खाना. लाइक गो आउट आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट नहा के. सो मिलते हैं कहीं पे भी जाएंगे, मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी. जा भी क्या बोला मैंने अभी, जही भी. एनी वे गाइज, तो मैं आप लोग को लेके चलूंगी. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को अदर वीडियोस कैसा लगा इस ट्रिप का. ओके गाइज, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड दिस इज माई आउटफिट फॉर द डे एंड नाउ वी आर हेडिंग आउट. सो लेट्स गो. गाइज, वी फाइनली रीच शिल्पा रमन एंड अगर आप लोग हैदराबाद से हो या फिर हैदराबाद आ रहे हो सो यू जस्ट कैन नॉट मिस आउट दिस प्लेस. गाइज, आप लोग देख सकते हो कि कितना खूबसूरत विलेज टाइप का है. टिकट काउंटर्स भी, इट्स लाइक सो प्रिटी. एंड आई मेट विद अ फ्रेंड. पुचकू बाबू. द प्राइस ऑफ टिकट इज 30 rupees ईच. तो हम लोग अंदर आ गए और अंदर आते ही आप लोग को ये मैप दिखेगा शिल्पा रमन की. शिल्पा रमन इज अ पॉपुलर आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज लोकेटेड इन हैदराबाद. इट इज अ कल्चरल हब दैट शोकेसेस एंड प्रोमोट्स ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट, क्राफ्ट एंड कल्चर. द एरिया ऑफ दिस विलेज इज अबाउट 65 acres ऑफ लैंड एंड फीचर्स वेरियस आर्टिसंस वर्कशॉप, स्टॉल्स एंड गैलरीज वेर आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन डिस्प्ले एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स. विजिटर्स कैन फाइंड अ वाइड रेंज ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. आप लोग देख सकते हो कि कितना खूबसूरत ये हैंडवर्क है एंड ट्रस्ट मी, ये सब कुछ जो आप लोग देख रहे हो बस ये वर्क सिर्फ हैंडमेड है. एंड आई एम जस्ट इन लव विद दिस प्लेस गाइज. एंड इफ़ यू गाइज आर समवन हु इज़ इनटू आर्ट्स एंड कल्चर, यू गाइज विल डेफिनेटली लव दिस प्लेस. यू विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन हियर. मतलब ये कैरी, तुम कैरी भी कर सकती हो और ये पूरा मेटल का भी है. आइटम फॉर यू, दुकान के बारे में कुछ भी. हाँ, और बोल दीजिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए. मैडम का मेरा, थैंक यू. डेफिनेटली थैंक यू. ये जो साड़ीज आप लोग देख रहे हो ये पूरे कश्मीरी हैंडवर्क है. So this village is a haven for art enthusiasts, igniting passion and curiosity within their hearts. As you wander through the narrow lanes filled with artisan stalls and galleries, you can't help but feel a deep sense of admiration for the talented craftsmen and their intricate creations. The pride and love they put into their work is amazing, making every piece a masterpiece in its own right, guys. गाइज, ये है पट्ट चित्र और ये सारे बहुत ही खूबसूरत है और ये सब हैंडमेड है. ओ माई गॉड.
Shilpa Raman also hosts various cultural events including music and dance performances, traditional folk shows and exhibitions. The village has a spacious amphitheater where these events take place, attracting both locals and tourist guides. कर 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 फिर से कर फिर से कर दोनों हाथ में लेके ये प्लेस मुझे काफी अच्छा लगा गाइस काफी ज्यादा दिस प्लेस इज रियली नाइस गाइस रियली नाइस ज़्यादा है और हम लोग अभी घूम रहे हैं तो ये जगह काफ़ी खूबसूरत है आई मीन द ट्रू ब्यूटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बेसिकली सोनाझुरी ऑफ तेलंगाना एग्जैक्टली सो जो लोग बंगाली है उन लोग को पता है कि सोनाझुरी क्या है एंड गाइज लेकिन प्राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन लोगों ने बढ़ा के रखा है यहाँ पे छोटा सा मैंने हार्ट देखा ऐसे ब्लू कलर का मुझे बहुत अच्छा लगा जो दाम बोला उसके बाद मेरा हार्ट टूट गया हाँ रख के चलिए और वो उसका छोटा सा एक हाथी का प्राइस कितना बताया 650 only 650 तो गाइज आप लोग यहाँ आओ लेकिन खरीदना अगर आप लोग को है तो आप लोग खरीद सकते हो लेकिन हम दोनों को ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों कुछ खरीदेंगे यहाँ पे बट हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है काफ़ी खूबसूरत है एंड मोस्ट ऑफ द सेल्स मैन दे आर फ्रॉम कश्मीर एंड दे आर एक्चुअली लिटरली स्पीकिंग इन कश्मीरी एंड सो या इट इज़ अ कश्मीर इज नॉट अ लैंग्वेज माय डियर पस्तो आई गेस पस्तो ओके देन माय बैड गाइस सॉरी तो पस्तो चलो थैंक यू ये मुझे पता नहीं था आपसे पता चला नहीं मेरा भी मतलब आई कैन बी रॉन्ग बट जहाँ तक मुझे पता है मुझे लगा हाँ तो यही है तो काफ़ी अच्छा लगा सो या लेकिन उन लोग का जो हैंडवर्क है ना मतलब दोज आर अमेजिंग गाइज अमेजिंग फिलहाल तो बहुत धूप है चलते हैं हम लोग देखते हैं कहाँ जाएंगे और ये है माटिर पुतुल जो हम लोग बंगाली में बोलते हैं और मुझे काफ़ी क्यूट लगा और ये रहा मेरा गन्नू बाबा शिल्पा रमन इज नॉट जस्ट अ प्लेस टू बाय क्राफ्ट्स इट इज अ कल्चरल डेस्टिनेशन दैट ऑफर्स अ ग्लिम्स इनटू इंडियाज रिच हेरिटेज एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस इट इज अ मस्ट विजिट प्लेस इफ यू आर इन हैदराबाद ओके गाइस तो हम लोग का घूमना हो गया है बहुत ज्यादा है बाहर इट टुक अस लाइक अराउंड 1.5 hours टू 2 hours टू एक्चुअली कंप्लीटली सी द शिल्पा रमन फिर भी बोटिंग वहां पे होता है लेकिन वो 4 बजे से शुरू होता है इसलिए हम लोगों ने वेट नहीं किया एंड भूख भी बहुत ज्यादा लगी है now and we are going to the hotel and then we will like order something to eat we'll have our lunch and then sham ko dekhte hain kahan jaate hain so yeah काफी अच्छी जगह थी and हम लोग अभी ऑटो में ही है ऑटो से वापस जा रहे हैं so yeah okay guys तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मैं हैदराबाद में रहती थी तो जब मैं यहाँ पे रहती थी मैं रहती थी ये साइड ये रोड में बोटानिकल गार्डन ये यूटर लेके इस रोड से सीधा जाके मैं रहती थी आई मीन आई हैव सो मेमोरीज विद दिस सिटी लॉन्गर देन अ फ्यू मिनट्स लेटर ओके गाइस तो हम लोग आके अभी लंच कर रहे हैं तो पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं तो मैंने बहुत सुना है ये दोन्ने बिरयानी के बारे में तो आज फाइनली वी ऑर्डर्ड घर पे ही मतलब होटल पे ही हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया अभी बाहर नहीं गए थे थोड़ा टायरिंग लग रहा था तो दोन्ने बिरयानी के बारे में मैंने बहुत सुना है मेरी दीदी के मुँह से भी बिकॉज शी वॉज टू स्टे इन बैंगलोर एंड शी वॉज लाइक यू शुड ट्राई दोन्ने बिरयानी वंस एंड दिस इज़ लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू ट्राई दोन्ने बिरयानी एंड लेट्स सी कैसा टेस्ट है इसका सो लेट्स सी एंड दिस इज हाउ इट लुक्स द दोन्ने बिरयानी ट्राई गाइस इट्स एक्चुअली नाइस It is actually nice, not bad. Nice one. सच में अच्छा है वैसे ये बैंगलोर में काफ़ी फेमस है तो मेरी दीदी ने मुझे बोला है कि कभी बैंगलोर लेके जाके शी विल मेक मी ट्राई दिस दोन्ने बिरयानी लेकिन हैदराबाद का भी मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन लेट मी गिव यू वन रिव्यू अबाउट दिस दोन्ने बिरयानी
काफ़ी तीखा है, काफ़ी तीखा है ये, बट देन टेस्ट इज़ रियली नाइस, रियली नाइस। और बंगाली में पुलाव जैसा इसका वो थोड़ा स्मेल आ रहा है, हाँ, बट दिस इज़ रियली नाइस। हैदराबाद में है इसलिए आई गेस ये थोड़ा तीखा लग रहा है, बट बैंगलोर में तो तीखा नहीं होता है, आई डोंट नो। नाइस, दिस वन इज नाइस, नाइस। लेकिन टिपिकल टिपिकल बिरयानी का फ्लेवर नहीं है, इट्स समथिंग डिफरेंट, इट इज समथिंग डिफरेंट। बिरयानी का आप लोगों को वो फ्लेवर नहीं आएगा, ऐसा मुझे मेरी परसेप्शन है ये, बट देन टेस्ट इज रियली लिटिल लॉन्गर देन अ फ्यू मिनट्स लेटर। गाइस, तो हम लोग ना लंच वंच करके थोड़ा सा रेस्ट लेने चले गए, मतलब थोड़ा सो गए थे क्योंकि बाहर बहुत धूप थी, एंड शिल्पा रमन घूम के आके हम लोग थोड़ा लंच वंच किए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लिए, और अभी इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4:15 इन द इवनिंग एंड नाउ वी आर गोइंग टू चिलकूर बालाजी टेम्पल। एंड आई वॉन्टेड टू गो टू दैट प्लेस सिंस आई वॉज इन हैदराबाद, मतलब मैं जब पहले 4 साल रही हूँ तभी मुझे कभी मौका नहीं मिला जाने का, बट आज हम लोग जा रहे हैं, सो या लेट्स गो। और मैंने एक बहुत ही सिंपल सा आउटफिट पहना हुआ है, एक वाइट टी शर्ट एंड जीन्स लगा लिया मैंने, सो नाउ वी आर हेडिंग टू चिलकूर बालाजी, सो या लेट्स गो। कैब आ गई है, 1 मिनट में है, सो फटाफट चलते हैं। पहुंच गए हैं चिलकूर बालाजी। एक्चुअली हम लोग जहाँ रह रहे हैं गच्ची बोली, वहाँ से चिलकूर बालाजी का डिस्टेंस इट्स ओनली लाइक 30 मिनट्स फ्रॉम देयर, 11 किलोमीटर्स 11 किलोमीटर्स 23 किलोमीटर्स ओके सॉरी माई बैड 23 किलोमीटर्स। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं, सो हम लोग को बस 30 मिनट ही लगा आने के लिए, सो ज़्यादा देर नहीं लगी। एंड अभी हम लोग चल के जा रहे हैं, सो काफ़ी मतलब सिंपल सा क्यूट सा एक जगह है, बहुत शांति सा जगह है, सो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स चेक इट आउट। मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगा, ये आंटी चॉकलेट बना के देती है। गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ पे आप लोग पूजा के लिए सामान खरीद सकते हो और अपना शूज़ भी रख के जा सकते हो। फाइनली मैं आ गई हूँ चिलकूर बालाजी, और ये मेरा बकेट लिस्ट में था जो आज टिक हो गया। Longer than a few minutes later. Okay guys, तो हम लोगों ने अच्छे से पूजा दे दिया, और यहाँ पे ना unfortunately photographs and videography is not allowed even if you pay. So हम लोग बहुत अच्छे से पूजा दिए, बहुत मन को शांति लग रहा है। यहाँ पे 108 बार घूमने का भी वो रिवाज है जो हम लोगों ने किया, लेकिन हम लोग पूरा नहीं कर पाए, तो हम लोग फिर से वापस आएंगे करने के लिए। ऑल टुगेदर गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, एंड आई जस्ट कैन नॉट वेट टू कम बैक हियर अगेन। आई जस्ट होप कि श्री बालाजी हम सब के लिए भला करे, सबका अच्छा हो लाइफ में, सबको बुद्धि दे, एंड मुझे भी थोड़ा ज़्यादा ही दे। एंड आई जस्ट होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे, एंड अभी तो हम लोग जा रहे हैं। Little longer than a few minutes later. Okay guys, तो अभी it's almost 12:30 रात के, and हम लोग temple घूम के आके हम लोग थोड़ा tired हो गए थे, क्योंकि हम दोनों ने वहाँ पे एक रिवाज है 108 rounds, मतलब इर्द गिर्द मंदिर के चक्कर लगाने का, so हम लोग सच में थोड़ा टायर्ड हो गए थे, एंड वी वर लाइक प्रदर्शन कहते हैं उसको, पागल प्रदर्शन, सॉरी वेरी सॉरी, मुझे वर्ड नहीं पता थी, माई बैड। तो प्रदर्शन कर रहे थे हम लोग, और अभी हम लोग जस्ट डिनर ऑर्डर किए हम लोगों के लिए, एंड हम लोग पैकिंग भी कर रहे थे, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पे नहीं आई थी, इट्स लाइक द डे 3 एंड टुमारो मॉर्निंग वी हैव अ फ्लाइट, आई एम हेडिंग बैक टू कोलकाता माई होम, सो लाइक दिस इज लाइक द लास्ट ब्लॉग फ्रॉम दिस टूर, एंड आई जस्ट होप कि आप लोग को अच्छा लगे। सो कमिंग बैक, वी ऑर्डर्ड डिनर जस्ट नाउ विच इज़ चिकन बिरयानी। आई नो कि हैदराबाद में आके बिरयानी नहीं खाया तो क्या खाया, सो लाइक आज लास्ट डे है इसलिए हम लोगों ने बिरयानी ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि हम दोनों को ही खाना था,
तो एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि हैदराबाद में बहुत सारी ऐसी जगह है फेमस जहाँ पे बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, जैसे कि शादाब हो गया, पैराडाइज हो गया। लेकिन ये जब टूर मैं चालू कर रही थी, मैंने तब वीडियो में बोला था, फर्स्ट व्लॉग में, हैदराबाद व्लॉग में, कि मैं आप लोगों को उस जगह दिखाऊंगी, वो जगह दिखाऊंगी जहां से मैं खाती थी और जहां मुझे अच्छा लगता था। सो ये भी एक वही जगह है और इसका नाम है शाग हाउस होटल। अगर आप लोग हैदराबाद में हो तो आप लोग जानते हो, और अगर आप लोग हैदराबाद से नहीं हो तो भी शायद आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि शाग हाउस का बिरयानी मुझे सच में बहुत पसंद है। शादाब और पैराडाइज तो है, लेकिन मैं पैराडाइज का उतना मुझे अच्छा नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन शाग हाउस का मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो सो डेफिनेटली गो एंड ट्राई शाग हाउस होटल की बिरयानी। और एक होटल है जिसका मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो है महफिल का भी बिरयानी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट, एंड ऑल्सो कबाब्स। सो यह पैकिंग ऑलमोस्ट हम लोग की हो गई है, क्योंकि कल सुबह हम लोग की फ्लाइट है, एंड अभी फटाफट डिनर करके थोड़ा बहुत पैकिंग अभी भी बचा हुआ है, वी विल डू दैट एंड वी विल सी, माँ ये वीडियो देखेगी तो पक्का डांटेगी, क्योंकि पूजा देने के आने के बाद भी हम लोग बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं था और बिरयानी भी दिखाना था मुझे, सॉरी माँ। ओके गाइज, तो इट्स ऑलमोस्ट 1:30 बज रहा है या 1:45 शायद रात के, और कल सुबह 6 बजे हम लोगों को निकलना है। सो अभी भी मतलब पैकिंग वैकिंग एवरीथिंग इज कम्प्लीटेड एंड नाउ आई विल स्लीप एंड टुमारो आई एम गोइंग बैक होम। सो या गुड नाइट, आई विल सी यू टुमारो एंड फिर बात करते हैं। गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और हम लोग हो गए रेडी और हम लोग अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। Until next time, Hyderabad, I will miss you and I love you, Hyderabad. फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैंने एक मफिन ऑर्डर किया है एंड असम ब्लैक चाय, और फाइनली आज मेरे को विंडो सीट मिल गई है। यू कैन सी बाय माय फेस कि लाइक मैं लिटरली बहुत टायर्ड हूँ और उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। हम लोग सुबह उठ गए थे एंड हम लोग जल्दी आ गए, लेकिन फ़िलहाल अभी 2 घंटे है, डेढ़ घंटे है फ्लाइट का। सो 1.5 घंटे से ज़्यादा, 9:40 की फ्लाइट है और अभी इट्स लाइक 7:50, एंड सो या हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टूर। आई जस्ट कैन नॉट से हाउ हैप्पी आई एम दैट आई गॉट टू कम टू हैदराबाद आफ्टर सो मेनी ईयर्स। एंड हैदराबाद एयरपोर्ट से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है, बहुत सारी। आई हैव मेनी मेमोरीज इन हैदराबाद एयरपोर्ट। एज आई सेड गाइज, आई सेड यू गाइज, लाइक आई वॉज बेस्ट आउट ऑफ हैदराबाद देन आई वॉज इन इंडिगो। सो अभी मैं वापस जा रही हूँ कोलकाता, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मिस हैदराबाद। और एयरपोर्ट में काफ़ी चेंजेस आ गया है पहले से, सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू अगेन गो टू समवेयर एंड लेट्स सी। ऑल टुगेदर इट वॉज अ वेरी नाइस ट्रिप आई हैड एंड आई जस्ट होप दैट वर्चुअली मैंने आप लोगों को अच्छा घुमा पाई मैं आप लोगों को। सो मिलते हैं फ्लाइट पे और उसके बाद डिरेक्ट घर पे। ओके गाइज, तो फाइनली हम लोग का बोर्डिंग हो गया है एंड वी आर लाइक फ्लाइट थोड़ा सा डिले है 30 मिनट्स, एंड अभी वी आर गोइंग बैक होम। 9:40 की फ्लाइट थी एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 10:20 एंड येस, सो लेट्स गो। फ्लाइट थोड़ी डिले है, अब आई एम गोइंग बैक, लाइक एयर एशिया फ्लाइट है और एयर एशिया फ्लाइट का लेग स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है गाइज, एंड आई डोंट नो बट Let's go to home. Finally landed at Kolkata. So, अभी घर जाएंगे, घर जाके बात करते हैं। फ्लाइट में तो मैं बिंदास सो गई थी, पूरा सो गई थी, मुझे कोई होश ही नहीं था। सो या लेट्स गेट होम एंड देन बात करते हैं थोड़ा इस ट्रिप के बारे में। एंड आई जस्ट होप कि ये ट्रिप आप अच्छा लगा हो, मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, बाकी बातें मैं घर जाके करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं।
Okay guys, so I am back home and I just hope that you guys have watched the video till the end. If you did, then thank you so much. And I will see you again in my next video. Till then, take care. Bye. And I am back home. So yeah, you can follow me on my other social media, which is Instagram, where I almost post every day. And I hope ki Hyderabad vlog aap log ko acha laga ho. I will see you soon again. So please, please, please like, share and subscribe if you like my content. And I will see you in my next video. Till then, take care. Bye. Bye.